क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, ये क्वेश्चन भी बड़ा जबरदस्त है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को पर बेस्ड ये भी है। आपसे कह रहा है टू बिलियर्ड्स बॉल, बिलियर्ड्स आपने देखा होगा स्नूकर, आप आज की तांती को ये पता नहीं होगा कि क्या होता है बिलियर्ड्स, स्नूकर आपने खेला होगा, एट बॉल पूल मोबाइल में खेलते हैं ना, लकड़ी से बॉल को मारते हैं तो वो अलग गेम। तो आपसे कह रहा है दो बिलियर्ड्स बॉल्स हैं, ईच ऑफ मास 0.05 kg। तो लेट सपोज कि एक बॉल ये है और दूसरी बॉल ये है, मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो एक इधर को आ रही है, दूसरी इधर को आ रही है, ये बॉल ए है, ये बॉल बी है, और इनकी स्पीड जो है वो 6 meters per second है, इसकी भी 6 meters per second और इसकी भी 6 meters per second है। इसको आप V1 कह दो, इसको आप V2 कह दो, ठीक है। अब आप एक काम कर लो, इसको एक्सिस पर ले लो, क्योंकि आपके लिए फिर ज़्यादा आसानी होगी चीज़ों को बताने के लिए। ये एक्स एक्सिस है, तो इधर वाली पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई और इधर वाली निगेटिव डायरेक्शन हो गई बाय डिफॉल्ट, ये तो पता चल गया। अब हमसे कह रहा है कि ये कोलाइड कर जाती हैं, टकरा जाती हैं आपस में, एंड रिबाउंड, और जुड़ जाती हैं विद द सेम स्पीड। रिबाउंड का मतलब ये जुड़ के जो है वापस अलग हो जाती हैं, सेम स्पीड से वापस चली जाती हैं। तो ये वापस जाएगी इधर को और ये वापस जाएगी इधर को रिबाउंड होकर के। तो ये ए है, ये बी है, ये एक्स एक्सिस आ गई, रिबाउंड हो गई, ठीक है भाई। तो जाहिर सी बात है सेम स्पीड के साथ जा रही है, तो V1 जो है ये भी 6 meters per second हो जाएगा और V2 ये भी 6 meters per second, ठीक है। इसको डैश लगा दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन सवाल क्या, व्हाट इज़ द इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल बाय द अदर। ये कह रहा है कि इम्पल्स कितना लगेगा। अब देखो समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि यार जो बॉल वन है या फिर बॉल ए है, ये बॉल पहले इधर को आई फिर इधर को चली गई, तो इसके मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। जब मोमेंटम में चेंज आएगा तो मोमेंटम में चेंज लाने वाला कौन है, वो है बी बॉल। इस बॉल की वजह से इसके मोमेंटम में चेंज आया, पहले इधर को था मोमेंटम, अब इधर को हो गया, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम को ही इम्पल्स कहा जाता है। तो आप इम्पल्स निकालने के लिए चेंज इन मोमेंटम देखोगे तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन, आप लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ बॉल ए, बॉल ए का मोमेंटम में चेंज कितना आया। तो इसका मतलब अगर बॉल ए के मोमेंटम में चेंज को देख लिया जाए तो उतना इम्पल्स जो है ये बॉल भी लगा रही होगी, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम को ही इम्पल्स कहते हैं। तो आप बोल दोगे इम्पल्स इम्पार्टेड बाय बॉल बी कितना हो जाएगा, इम्पल्स इज इक्वल टू होता चेंज इन मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम माइनस, सॉरी आप चेंज इन मोमेंटम देख रहे हो तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इम्पल्स निकल कर आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम इसका कितना होगा। मोमेंटम कैसे निकालते हैं, अगर मोमेंटम कैलकुलेट करना तो मास की वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई, लेकिन चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर को है। अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ को लोगे तो पॉजिटिव लोगे वेलोसिटी, और निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ को है तो निगेटिव लोगे। अब देखो फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए मास, और मास कितना है, मास है 0.05 kg सबका, ए और बी दोनों का 0.05, तो मास इंटू वेलोसिटी। तो आप पहले लिख दो मास इंटू वेलोसिटी फाइनल माइनस मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल। अगर मास को देखोगे तो मास को कॉमन ले लो, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब मास कितना 0.05, फाइनल वेलोसिटी कितनी, अब देखो फाइनल वेलोसिटी इधर की तरफ को है तो ये निगेटिव लोगे आप डायरेक्शन के हिसाब से। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाह रहे हो तो भाई वेक्टर फॉर्म में दिखा दो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वी एफ जो है फाइनल वेलोसिटी इधर को है तो माइनस का 6, माइनस लगाओ फॉर्मूले वाला, इनिशियल वेलोसिटी इधर को थी, देखो इनिशियल वेलोसिटी इधर को थी तो ये भी 6 थी। तो आप यहाँ पर देखेंगे 0.05, 6 और 6 12 हो गए माइनस के, तो ये 12 ऐसे हैं, ठीक है भाई। अब 12 पंजे कितने होते हैं 60, तो ये आ जाएगा 0.6, 12 पंजे 60 हो गए ना, तो 0.6 kg/s इतना इम्पल्स लगाएगी बॉल बी
ए पर, ठीक है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जितना इंपल्स बी ने इस पर लगाया होगा उतना ही इंपल्स ये उस पर लगा रही होगी, क्योंकि मास सेम है, वेलोसिटी सेम है। तो जितना इंपल्स इसने लगाया, कितना लगाया, माइनस के 0.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इतना ही इंपल्स ये लगाएगी। लेकिन जो इसके इंपल्स का डायरेक्शन है, आप देखें इसके इंपल्स का डायरेक्शन इधर को है, इसके इंपल्स का डायरेक्शन उधर को आ जाएगा। तो डायरेक्शन के हिसाब से इसका जो इंपल्स इम्पार्टेड होगा इस पर वो पॉजिटिव होगा। तो आप ये कह सकते हैं, यहाँ पर मैं कलर चेंज करके कह देता हूँ, सिमिलरली इंपल्स इम्पार्टेड बाय बॉल ए कितना हो जाएगा, ये इसका जस्ट पॉजिटिव हो जाएगा, 0.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। वीडियो को थम्स अप करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, शेयर शेयर करते चले जाओ। मेहनत कर रहे हैं यार, थोड़ा बहुत तो आप लोग इतना कर ही सकते हैं हमारे लिए।